सो वेल हेलो गाइज, मैं हूं राज और आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर टीवी में। तो आज हम बात करने वाले हैं हम और आप मार्वल को क्यों इतना पसंद करते हैं, मार्वल की कुछ ऐसी बातें जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इंट्रो के बाद। पॉइंट नंबर वन, जो मार्वल मुझे इतना पसंद है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्वल ने जो किया वो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर देना वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक ही मूवी में एक ही विलन से लड़ने के लिए इतने सारे हीरोज का लाना या फिर इतनी सारी मूवी बना के 20-25 मूवी बना के सारे कैरेक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है जो मार्वल ने कर दिखाया। मार्वल से पहले किसी ने किया नहीं था। हाँ, उससे पहले एक्समैन मूवी आई थी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ थे, पर उनकी कई पार्ट आई जिसमें अलग अलग स्टोरी देखने को मिली थी, पर वो कभी मुझे सेम नहीं लगी। पर जिस लेवल पे एमसीयू ने किया है ना, वो शायद ही कोई फ्यूचर में कर पाएगा या फिर अभी तक किसी ने किया है। आज मार्वल ने मूवी इंडस्ट्री का सीन ही बदल के रख दिया है। आज के टाइम पे सब अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बॉलीवुड में भी सब सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा करने सोच रहे हैं। तो ये जो चेंज है वो लाया है मार्वल ने, और यही चीज मार्वल की मुझे बहुत पसंद है। दूसरी जो वजह है मार्वल को पसंद करने की, तो वो ये है कि मार्वल जो है हमेशा रिस्क टेकिंग काम करता है। जैसे थॉर रैग्नारोक में थॉर को फनी जोकिंग दिखा देना, एंड गेम में टोनी से स्नैप करवा देना, ये जानते हुए कि टोनी की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। वैसे ये रिस्क तो उसने तब लिया जब मार्वल का बड़ा नाम था, लेकिन मार्वल ने अपनी शुरुआत दिनों में भी काफी ज्यादा रिस्क लिए हैं। उन्होंने अपनी पहली मूवी आयरन मैन में आरडीजे को लीड रोल में लिया, जबकि उस समय जब आयरन मैन यानी आरडीजे हमारे उतने फेमस भी नहीं थे। फेमस तो थे लेकिन अपने ड्रग्स केस के चक्कर में। वो उस समय जब आरडीजे को कोई इतना पसंद भी नहीं करता था, उस समय उन्होंने मार्वल में आरडीजे को लिया और मूवी हिट गई। यही नहीं, मार्वल ने हमेशा ही नए डायरेक्टर न्यू एक्टर को चांस दिए हैं। हाँ, वो इसलिए भी क्योंकि न्यू डायरेक्टर जो होते हैं वो मार्वल के अंदर रह के काम करते हैं, और जो पुराने डायरेक्टर हैं सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसलिए दोनों में बात नहीं बनती। तो मार्वल न्यू डायरेक्टर को ही लेता है तो उनके अंडर रहकर उनके फॉर्मूला के अंदर मूवी बना के उन्हें दे सके। मार्वल को पसंद करने की एक वजह ये भी है कि मार्वल जो है वो हमेशा PG-13 मूवी लाता है। मतलब तुम ही सोचो यार कि कितनी ऐसी मूवी है जो आप अपनी फैमिली के साथ में देख सकते हो। सोचो तुम ही कोई फिल्म लाते हो घर में देखने के लिए, तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा नाइटमेयर होता है कि मतलब फैमिली को मूवी पसंद आएगी कि नहीं आएगी, मतलब फैमिली में कुछ वैसे वाले सीन तो नहीं आ जाएंगे जिसकी वजह से हमें पानी लेने जाना पड़ेगा, तुम ही सोचो। पर मार्वल की मूवी के साथ ऐसा नहीं है, आप उसे पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, थिएटर जाके भी और घर में भी। अगर आपने उसे पहले नहीं भी देखा है फिर भी आप देख सकते हो बिना किसी टेंशन के फैमिली के साथ में, क्योंकि फैमिली के साथ में मूवी देखने के लिए ही बनाई जाती है। मार्वल की मूवी जो है वो आप बच्चे से लेकर बड़े तक सब कोई देख सकते हैं। मार्वल जो अपने बड़े बड़े कैरेक्टर को भी बड़े बड़े एक्शन को भी PG-13 में भी उतना ही मजा देता है जितने ऐसे लोग हैं जो आर रेटेड में भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन मार्वल PG-13 में भी उतना ही मजा दे पाता है। और यही चीज जो है मार्वल की काफी ज्यादा अच्छी लगती है दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स से। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वो दूसरे यूनिवर्स से कहीं ज्यादा बेटर लगता है मुझे। और अब तो मार्वल अपने यूनिवर्स में मल्टीवर्स ला रहा है। सोचो अगर जनरल ऑडियंस को टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, वेरियंट ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है तो कितना घाटे में जाएगा मार्वल। लेकिन नहीं, मार्वल फिर भी रिस्क ले रहा है, ये सारी चीजें हमें दिखा रहा है। ये भी एक कारण है जो मार्वल मुझे इतना पसंद है कि मार्वल रिस्क लेने से नहीं डरता, हमेशा ही रिस्क लेके काम करता है। ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मुझे इतना ज्यादा पसंद है। और भी कई ऐसे कारण है लेकिन अगर ज्यादा बताऊंगा तो लोग मुझे मार्वल का दल्ला समझ लेंगे, जो मुझे सुनने का कोई शौक नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो के अंदर कुछ कमी हो गई हो तो कमेंट कीजिए। मार्वल की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसे इसके भी हैं। अगर चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि मार्वल की ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस वीडियो को भी लेके आऊंगा। अगर वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए।